रागनी तो ये महाभारत की है और महाभारत में भी उस समय की रागनी है कि द्रोण और द्रौपदी दोनों जब छोटे छोटे बच्चे थे एक ही गुरु के पास में शिक्षा ग्रहण किया करते थे। द्रोण के पिता थे महर्षि भारद्वाज और उन्हीं के पास में शिक्षक धनुष और बाण की विद्या ग्रहण करने के लिए पांचाल देश से द्रौपदी आए। बचपन में दोनों में बहुत ज्यादा याराना था। एक रोज छोटे थे तो बच्चों वाली बात वो द्रोण के मुख पर आई। द्रोण कहने लगता है कि भाई बड़े होकर के तुम तो राजा बन जाओगे, हम गरीब ब्राह्मण हैं, हमारी और तुम्हारी यारी कहां रह पाएगी उस समय। इस बात को सुनकर के और द्रौपदी को बहुत ज्यादा दुख हुआ। द्रौपदी कहने लगा कि द्रोण आज तो तूने ये बात कह दी है कि बड़े होकर के मैं राजा बन जाऊंगा और तू गरीब ब्राह्मण रह जाएगा, लेकिन आज के बाद मैं कभी तेरे मुख से ये बात न सुन लू। क्यों? मैं ब्राह्मण तू राजा का यो बात नहीं तेरे कहने की, अरे म्हारी तेरी द्रोण जगत में यारी ना रहने की। जहां बन जा एक विचार वहां तकरार हुआ करते, जहां बन जा एक विचार वहां तकरार हुआ ना करते, सत के बेड़े तेरे झूठ के पार हुआ ना करते, जो करते फिरे बुराई वो रिश्तेदार हुआ ना करते, अरे भेद भाव बर्तन वाले कदे यार हुआ ना करते। मैं कई बार बात तेरी सह गया पर सीमा हो सहने की, मारी तेरी द्रोण जगत में यारी ना रहने की, आज के बाद कभी तेरे मुख से ये बात ना सुन लूं। साथियों, शिक्षा पाने के बाद में बड़े हो गए, द्रौपदी तो जाकर के पांचाल देश के राजा बन जाते हैं और द्रोण की शादी हो जाती है। तो द्रोण के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। अश्वत्थामा जब 6 साल का था तो पड़ोस में बच्चों को दूध पीते हुए देख करके एक रोज अपनी माता से दूध की जिद कर बैठता है। द्रोण के यहां पर दूध नहीं होता था। मिश्राणी ने बहुत समझाया बच्चे को, लेकिन बाल हट ऐसी हुआ करती है, बच्चा माना नहीं। तो मिश्राणी ने थोड़ा सा आटा घोल करके और उसका धोवन उस बच्चे को पिला दिया और कहा कि बेटे यही दूध है। बच्चे ने भी सोचा कि शायद दूध इसी तरह का होता होगा। उस आटे के धोवन को पी करके वो बच्चा अश्वत्थामा सो जाता है। शाम को द्रोण आए तो द्रोण को वो बात मिश्राणी ने बताई कि आज तो हमारे अश्वत्थामा ने दूध की जिद की और जब नहीं माना तो मैंने आटा घोल करके उस बच्चे को बहला करके सुला दिया। इस बात को सुनकर के द्रोण को बहुत दुख हुआ और द्रोण कहने लगे कि मिश्राणी गलत किया, आज के बाद में मेरे बेटे को कभी चून घोल करके पिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पांचाल देश का राजा है द्रौपदी, वो मेरे बचपन का यार है, किसी चीज की कमी नहीं है। मैं कल सुबह ही उसके पास में जाऊंगा और उसके यहां से गाय दूध की लेकर के आऊंगा। मिश्राणी हाथ जोड़ करके खड़ी होगी और कहने लगी कि पतिदेव, यार के पास में गाय लेने के लिए मत जाना, आपका स्वाभिमान गिर जाएगा, आपका सम्मान खत्म हो जाएगा, इसलिए ऐसा कोई काम मत कर देना। लेकिन द्रोण कहां मानते, कहते कि ऐसा यार नहीं है, वो मेरे बचपन का यार है, उसके बारे में तू जानती नहीं। और मिश्राणी के लाख बार मना करने पर भी द्रोण सुबह होते ही चल दिए अपने यार द्रौपदी से मिलने के लिए। जब चल दिए बाहर निकले घर से, रास्ते में चले हुए जा रहे थे तो द्रोण के मन में ख्याल आने लगे कि आज इतने दिन के बाद में जाकर के यार से मिलूंगा तो मेरा कितना आदर भाव सम्मान सत्कार मेरा यार द्रौपदी करेगा। और क्या सोचता हुआ चलता है, कैसे बोला परिवार से हो आज घने दिनों के बाद मिलूं।
बचपन के सीने द्रोण के हृदय अंदर आवे थे। वो बचपन के सीने द्रोण के हृदय अंदर आवे थे। अरे हद से भी फिर पहाड़ चलिया रफ्तार से। साथियों, कवि ने चौथी कली के माध्यम से किस तरह से क्या लिखा बोला? घर की बुनायू थे